जी हाँ, आज पंजाब की आवाज बन चुका है जी पंजाब। हरियाणा हिमाचल न्यूज चैनल लोगों की पहली पसंद है। हम नेताओं से वो सवाल पूछते हैं जिनका सरोकार आपसे होता है, लेकिन कुछ लोगों को सवाल पच नहीं पाते। सच उन्हें कड़वा लगता है और यही वजह है कि वो धमकियां देने लगते हैं। आपके अपने न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को श्रोमणी अकाली दल के नेता विरसा सिंह वलटोहा ने धमकी दी है। जनाब का नाम विरसा सिंह वलटोहा है। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक रह चुके हैं। पंजाब के अहम मुद्दों पर टीवी चैनलों की डिबेट में अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए आपने इन्हें अक्सर देखा होगा। बुधवार को भी वलटोहा साहब जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसी एसजीपीसी के मुद्दे पर चल रही बहस में अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, लेकिन इस बीच लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को वलटोहा साहब धमकी देने लगे, 1980 के किसी हिंद समाचार का उदाहरण देने लगे और समझाने लगे कि हमें सिखों के मुद्दों पर दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, वलटोहा साहब हम पर कांग्रेस का प्रवक्ता होने का आरोप लगाने लगे। सुनिए जरा वलटोहा साहब को। 1980 दे नेड़े तेड़े पंजाब दे अंदर एक हिंद समाचार समूह दा पत्रकारिता चलदी है। हां जी, उन्होंने भी ताड़िया कोई बड़ी आदत चुकी सी कि सिखां दे मसलें च दखलंदाजी देंदे सी पूरी टका के जी। ते लाला जगत नारायण जी ते जो कुछ उस तो बाद बनया पंजाब दे अंदर खाड़कूवाद आया, मिलीटेंसी आया, एहो जे ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਬੂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣੇ ਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ। सही में गजब करते हैं वलटोहा साहब। आप भी लगता है वलटोहा साहब से सच नहीं पच पा रहा है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के चुपते सवाल विरसा सिंह वलटोहा को पसंद नहीं आए। वो गाना है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। वलटोहा साहब ऐसा कैसे हो सकता है? सच तो सामने आना चाहिए। साहब, हम सिखों के मुद्दों पर दखलंदाजी नहीं कर रहे, बल्कि कुछ सवाल पूछ रहे हैं जिनके जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है। सवाल ये है कि आखिर क्यों एक धार्मिक संस्था का सियासीकरण हो रहा है? क्या वजह है एक धार्मिक संस्था आज राजनीति के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है? आज कैसे सिखों की सबसे बड़ी संस्था अपने लक्ष्य से भटक गई है? आखिर क्यों एसजीपीसी के प्रधान किसी राजनीतिक दल के धरने प्रदर्शन में शामिल होते हैं? अमरीक सिंह अजनाला क्यों कह रहे हैं कि एसजीपीसी एक डेड बॉडी बन गई है? किरपाल सिंह बडुंगर को नई सरकार के कार्यकाल में पंथ को खतरा क्यों दिखाई देता है? क्या बादल सरकार के कार्यकाल के दौरान सब कुछ ऑल इज वेल था? इन्हें भी कटूत ना लंगी होवे। ਤੁਸੀਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੈਕ। ਅੱਛਾ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। वलटोहा साहब, आपको बता दें कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, हम सच दिखाते हैं, सवाल पूछते हैं, निष्पक्षता से खबरों को उठाते हैं, जनता की आवाज नेताओं के कानों तक पहुंचाते हैं। वलटोहा साहब, बस इस बार दिक्कत ये हो गई कि आपको सच थोड़ा कड़वा लग गया। सच सुनने की आदत डाल लीजिए साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।